अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। मैं ज़किया मुनीर आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि पिछले दिनों में मैं बिज़ी रही थी, मतलब हम दोनों ही बिज़ी रहे हैं, मैं भी और शाज भी व्लॉग नहीं कर सके, आपकी खिदमत में नहीं हाज़िर हो सके हैं। आपसे वादा किया हुआ था कि हम पूरा रमज़ान आप तक व्लॉग जो है वो लेके आएंगे, लेकिन वो नहीं ला सके, उसके लिए माजरत खाएँ। तो अभी चूँकि आपको पता है कि रमज़ान ख़त्म होने वाला है और ईद आने वाली है, तो हम आज आपको ईद की तैयारियां दिखाएंगे, जिस तरह से भी हम जो भी तैयारियां करेंगे वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। और यहाँ पे बैठे हुए हैं जी हमारे बच्चे, ये बैठी हुई हैं फिज़ा है, सियाम और नमीरा, ये सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अभी देख रहे हैं मम्मा डियाना देख रही है, फिजा आप क्या देख रही हैं, जंप क्यों कर रही हैं, आराम से बताएं ना, आराम से रोमन डियाना देख रही हैं। चलें अभी बच्चे ये देख रहे हैं रोमन डियाना, और यहाँ पे बैठे हुए हैं शाह जी, ये रहे जी, अस्सलाम वालेकुम कर दे। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, सब ठीक ठाक हो? वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। असल में मेरा माइंड थोड़ा बिजी जा रहा है, क्योंकि मैं ज़रा काम में बिजी था, लोगो शोको बना रहा हूँ। अब मैं तो ईद में भी छुट्टी नहीं होती, क्योंकि डोरों की ईद नहीं होती, डोरों की 25 दिसंबर में जाके होती है। हमें भी ईद पे छुट्टी नहीं है। बेगम की भी ड्यूटी है ईद पे, वो भी ड्यूटी में जाएगी। और इस बार हमारी ईद पे यही है कि मेरा भी काम है और बेगम साहब भी ड्यूटी पे है, इनको ईद के बाद छुट्टी मिलेगी। और गोरे जो होते हैं उनकी तो क्रिसमस होती है दिसंबर में जी, उनको तब छुट्टियां होती है, और हमारी ईद पे वो हमें काम भेज रहे होते हैं। उन्हें तो नहीं ना आइडिया था कि अभी आपकी ईद चल रही है, वो उन्होंने काम भेजा होगा तो मैं कर रहा हूँ। अभी फ्री होता हूँ तो फिर बेगम साहबा के साथ काम कर लगूंगा और फिर आपको बताऊंगा, या बेगम साहबा जो मेरी तैयारी करेंगी, बाल शाल तो मैं काले करा आया हूँ, जो भी है मास्क वगैरह लगाएंगे, अर्शद करा लिया बेगम साहब, मास्क लगवाएंगे और ये जो मेहनिया शनिया लगाएंगी वो दिखाएंगे। आज तो नहीं, आज आपको शॉपिंग दिखाएंगे, मास्क लगाएंगे और शॉप जो मेहंदी वगैरह होगी ना, वो चांद रात वाली जो वीडियो होगी उसमें दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलो जी, सही है। तो ये बच्चे जो हैं बहुत ही मसरूफ तरीन बैठे हुए, ये देखें, और ऐसी शेसी हमने जो है ऑन कर लिया है। आज बहुत शदीद किस्म की गर्मी थी, रमज़ान तो बहुत ठंडा ठंडा गुजरा है, लेकिन अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो इसी हमने थोड़ी देर पहले ही ऑन किया, वो कर लिए। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम फिजा है जी। चले जी, तो व्यूवर्स अभी मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले हम शॉपिंग दिखा दें, शॉपिंग करके लाए थे, तो वो हम आपको दिखाते हैं बच्चों की कि किस तरह की हम शॉपिंग इनकी करके लाए हैं। ये लाए हैं जी इनके ड्रेसेस, ये मिनसा का, सॉरी फिजा का सूट है, मेरा पकड़ना इधर आना, ये फिज़ा का है, ये देखें। अभी ये जब जैसे जैसे जिस जिस दिन पहनेंगी तो तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा। साथ ही ये नमीरा और मिनसा का सेम है, ये ले पकड़े, ये है नमीरा का, नमीरा और मिनसा के ये दोनों सेम है, इनकी ट्विनिंग हुई है। ये हैं जी ईद के दूसरे दिन के लिए, ये भी हैं फिज़ा के, और साथ इनके ये हैं नमीरा के और मिनसा के सेम है। उठा लें, उठा लें, ये इनकी मैक्सी है। व्यूवर, ये जो है ना सूट, ये मेरे कपड़ों से मैचिंग है। कौन से कपड़ों से मैचिंग? नहीं, जूतों से मैचिंग है। अच्छा, चप्पलों से। ये नमीरा के चप्पल जो लाए हैं उसके साथ ये मैच। फिजा के कपड़े फिजा को पकड़ाओ जी, फिजा दिखाए, फिजा दिखाएगी, फिजा आओ पकड़ाओ, आप अपने कपड़े दिखाओ, मैंने भी दिखाऊंगा, इधर से पकड़ के दिखाओ, ये फिजा की है, फिजा दिखाओ, इधर बताओ सबको, ये मेरे कपड़े हैं, इधर बताओ, किसके वाले कपड़े? जी मामा ने बाजार से लाए हैं जी, ये देखें जी, ये नमीरा की चप्पल आई थी, तो ये नमीरा की मैच हो गई है इसके साथ, और फिजा की एक और, ये फिजा की एक और ड्रेस, और यहाँ पे है जी थर्ड वन इनका, तीनों का सेम है। नमीरा ये पकड़े, ये इनका लेके आए हैं, ये तीनों का सेम है, ये तीनों बहनों के सेम है। तो इसमें इन दोनों में जो है वो फिजा के साइज के नहीं मिले थे, इस वाले में और इस वाले में, इसलिए फिर हमने वो जो दोनों थे वो सेपरेट ले लिए हैं फिजा के, उसके साथ मैच करके। फिजा आपके कपड़े अच्छे हैं जी? अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे। और अभी लगाते हैं जी, जी दिखाया है ना, ये मेरा और ये आपका दूसरा वाला जी, सेम है ना आप दोनों बहनों के? हाँ
ये देखें जी, ये इन दोनों के सेम है। अभी जब ये ईद वाले दिन पहनेंगी या ईद से दूसरे दिन तीसरे दिन पहनेंगी तो फिर आप बताइएगा कि ये कैसी लग रही। क्या पहनेंगी आप? ये क्या पहनूंगी? कपड़े पहनेंगी जी। आप अच्छी बच्ची हैं जी। चले और अभी शाहजी को लगाते हैं हम ये फेशियल मास्क, पील ऑफ मास्क। ये मैं लगाती हूँ इन्हें और अभी कैमरा मैन होगी कौन? हमारी नमीरा। चलो आओ नमीरा, सबसे ज्यादा कैमरा लाने वाली। इसने बहुत कैमरा शेक करना है, उसके लिए एडवांस में हम माजरत करते हैं जी। तो व्यूअर्स ये देखिए, मैं आ गई हूं। यहाँ कलर भी है। लाने दा तो नहीं होगा, मन का लगना मुंह पट छोड़ दी थोड़ा सा हो गया। आज तो मनो ये वक्त पहले पा चढ़ा, मैं आज तक कोई क्रीम ही नहीं लगाई। चलें आज आप ये भी करके लेके पीछे हो जाते हैं। और दरवाजा खोलना जाके आपकी मामा आई होंगी। अभी तो हमने नहीं जी, ध्यान करियो ध्यान ही। एक अपने मास्क नाल चमड़ी भी ना पट के लाए मेरी। जब कोई बंदा इधर मेरी तरह करे, जब कोई बंदा पहली दफा लगाए तो इस तरह से लगाते हैं। एक बार पहले भी मैंने लगाया होगा। नहीं मेरा, उस वक्त दांत इतना नहीं हुआ। मैं अपनी बात कर रही हूं, मैंने कभी भी इस तरह का कोई पंगा नहीं लिया। नहीं पहले एक बार नुत्र ने लगाया था मुझे, मैंने नहीं लगाया। मैंने आपको कभी नहीं लगाया, मैं ये कह रही हूं। मेरा दोनों हाथों से मोबाइल पकड़ कर श्याम को दौड़ा है। बोलना क्या अभी गए हैं? जब बाबा रेडी होते हैं फिर दिखाऊंगी मोबाइल। देखो ठीक है, फिर दिखा देने का रेडी हूं। ओके कर दो। देखे नहीं मेरा मुंह काला कर दिया गया है, अब देखते हैं जब उतारेंगे तो क्या हालात होंगे मेरे। वैसे बड़ा सही प्रोफेशनल लग गया, मैंने जैसे फर्स्ट टाइम लगाया आपको लग नहीं रहा। और यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक और कैमरा मैन खड़ा है, ये बाबा की वीडियो। मेरे नाल पता क्या है, वो मन चंद वाला हिसाब होया ना, ये चंगा पल्ला गोरा चिट्टा सी। मन चंद स्टेज ड्रामे में जो होता है, मन चंद चंगा पल्ला गोरा चिट्टा सी। गिरोगी बाहर रोड से बंदे लुक पा रहे थे, उन्होंने कहना जरा मेरा मुंह तो आ दो। वाला हिसाब है, मेरा मुंह तो आ दो, फिर आप गिर जाओगी। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये मास्क लगा हुआ बड़ा अच्छा लगा होगा कि मैंने बड़ा प्रोफेशनल तरीके से लगाया। अभी जब ये उतारेंगे तो फिर आपको शाहजी की चीखें सुनाएंगे। चीखें कोई नहीं मारूंगा, मेरी इतनी बर्दाश्त है, मैं अजीब जैसा नहीं जी। तो व्यूअर्स ये देखें कितना जबरदस्त, ये जो हमने फेस मास्क मास्क लगाया हुआ है कितना जबरदस्त लग रहा है। अभी हम कैमरा मैन बनाएंगे जी इफ्तिहार भाई को, ये आगे हुए जो आपको सही नजर नहीं आ रहा, लाइट पड़ रही है इनके चेहरे पे। हम सामने हो जाते हैं। ये अभी कैमरा पकड़ेंगे और मैं मास्क उतारूंगी और फिर आपको चीखें सुनाते हैं जरा। चीखें कोई नहीं निकलनी। अच्छा आती मुजरम। मैं इतना भी नरम नहीं है भाई, नाजुक नहीं है। नरम नाजुक नहीं है, एक ही हो रहा है। फिर बेगम आज ज्यादा सुखा नहीं है जीता। अच्छा है ना, एक ही बार में उतर जाए। नीचे से चिट्टे शादी निकले हैं कोई नहीं, अच्छे निकल रहे हैं। किधरे किधरे दबे पे हैं ना, खूबसूरत हो गए। दब खड़बा शादी बने हैं, कोई चिट्टा की शक्ल निकली है कि नहीं? निकला ये ब्लैक हेड निकले, माशाल्लाह आप खूबसूरत हो गए हैं। ब्लैक हेड निकले हैं काफी सारे, खूबसूरत हो गया मैं। ये आपने संभाल के रख लेना, दोबारा यूज कर लेंगे, दोबारा इसको गीला करके फिर यूज कर लेंगे। नहीं ये जब मैंने वो करना हुआ ना सुपर हीरो बनना हुआ क्रिश वाला, तो फिर लगा लूंगा, लगा लेंगे। हां ये अब और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कोशिश की है कि एक छोटी सी वीडियो आपकी खिदमत में लेके हम हाजिर हो। तो अब इंशाल्लाह ईद के जितने भी दिन होंगे उनकी सारी वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे। अभी देखेंगे चांद नजर आएगा तो वो चांद रात की वीडियो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। अभी बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, ढेरों कामयाबियां दे और अपनी हिफाजत में रखे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।